सोहना के नागरिक अस्पताल में चले तलवार लाठी डंडे सीसीटीवी फुटेज में मामला हुआ कैद। पटाखे चलाने को लेकर वार्ड नंबर 20 में दो गुटों में हुआ था झगड़ा। इलाज के लिए पहुंचे तो दर्जन भर लोगों ने अस्पताल के अंदर ही किया हमला। 8 लोग गंभीर रूप से घायल, किसी का हाथ कटा तो किसी की कटी एड़ी। अस्पताल के अंदर पुलिस बल तैनात करने की मांग की। सोहना के वार्ड नंबर 20 में पटाखे चलाने को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी तलवार चले झगड़ा। यही समाप्त नहीं हुआ, जब घायल इलाज कराने के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचे तो दर्जन भर लोगों ने अस्पताल के अंदर ही घायलों पर हमला बोल दिया। एक युवक की एड़ी कट गई, वहीं दूसरे का आधा हाथ कट गया। पुलिस ने इस मामले में तमाम सीसीटीवी फुटेज जब्त कर ली है। वहीं नागरिक अस्पताल के एसएमओ ने अस्पताल की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की मांग की है। मामला वार्ड नंबर 20 का है। पटाखे चलाने को लेकर दो गुटों में झगड़ा हुआ। जब घायल सोहना के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे तो घायलों पर हमला बोल दिया। इस हमले में करीब 8 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमला करने वाले युवकों के पास लाठी डंडे तलवार थे। घायलों ने बताया कि हमलावरों ने महिलाओं को भी बुरी तरह पीटा। झगड़े के होते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल का स्टाफ भी इधर उधर भागने लगा। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को खबर की इतला के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस को देख हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं घायलों के बयान लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस मामले के बाद अस्पताल में तैनात स्टाफ पूरी तरह भय माहौल में है। सुरक्षा को लेकर एसएमओ इंद्रजीत सिंह ने पुलिस बल अस्पताल में तैनात की मांग की है। हमारे घर के आगे बम फोड़ रहे थे, कुछ लड़के थे, हमने उनको मना किया था जी बम मत फोड़ो। उन्होंने बदतमीजी बोली, गाली उतार दी और भाई के घर में घुस गए लड़ने। उसके बाद वो हम वहाँ से उनको कह दिया, उन्होंने हमें गाली उतार दी। फिर हम उनको जिन हमारे बच्चों को जिनके लगी थी उन्हें हॉस्पिटल लिया है, सरकारी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लिया हमने उनको, मार कटाई तो उन्होंने बाहर के गुंडे बुला रखे थे 15-20 और उन्होंने हमें यही बहुत उन पर छुरा लाठी तलवार बहुत कुछ थे, सब काट दिए। कम से 15-20 कितने लोगों को चोट आई तुम्हारे को? हमारे 7 लोगों को चोट आई। कोई कोई मामला पहला पुरानी रंजी से पटाखे को लेकर झगड़ा हुआ? वो पटाखा फोड़ रहे थे, हमने मना किया था भाई पटाखा मत फोड़ो यहाँ, भाई हमारे घर का के ठीक नहीं है। वो माने नहीं, गाली उतार दिया, वो बदतमीजी बोले, इसलिए झगड़ा हुआ। वो अभी सबके क्या क्या चोट आई आपको? एक का हाथ कट गया पूरा, एक का एड़ी कट गई, एक का हाथ टूट गया, दोनों के हाथ की पता ही नहीं, देख के तो हाथ भी नहीं पता क्या ये छूटा। यहाँ से 6 रेफर गए हैं। तो कौन कौन घायल हुए, क्या क्या नाम होंगे? एक का नाम मनीष है, एक का नाम गोकलेश, एक का नाम अभिषेक और एक का नाम है वो कितने के नाम है, कुछ महिलाओं को भी चोट आई है? हाँ महिला को, 3 महिला को चोट आई है। हाँ जी, महिला को यहाँ लगी है, दांत टूट, 2-3 दांत टूट गए, यहाँ पूरा तलवार लगी हुई है। कौन से वार्ड का मामला है ये? 20 वार्ड का। कितने रेफर किए गए हैं आपके? 6 रेफर किए गए हैं। एक्चुअली वार्ड नंबर 20, जैसा मुझे यहाँ पे एमरजेंसी ड्यूटी पे जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 20 में कुछ पटाखों को लेके दो गुटों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसमें से 3 लोग घायल हुए। एक गुट के जो हमारे अस्पताल में एमएलसी के कराने के लिए आए और फिर दूसरी पार्टी के भी 5 लोग आए जो यहाँ पर आके उन्होंने भी अपना वो कराया। फिर कुछ अननोन तत्व हमारे हॉस्पिटल में घुस गए और यहाँ पर जो पहले से पार्टी पड़ी हुई थी उनके साथ मारपीट करी। तो करीब कितने लोग घायल हुए सर इसमें, कितनी एमएलसी कटी है? ये टोटल 3 और 5, 8 एमएलसी कटी हैं। तो सर हॉस्पिटल में जिस तरह होता है झगड़ा होता है उसको लेकर कोई कार्रवाई की है, कोई पत्र लिखा? हाँ, मैंने तो अभी 5 जुलाई को ही यहाँ पे कार्यभार एडिशनल संभाला है, तो आज की वारदात को देखते हुए हमने उसी वक्त अपने सिविल सर्जन सर से भी बात करी और एक यहाँ पर पुलिस पोस्ट या पिकेट जो 24 घंटे स्पेशली रात को तो यहाँ पे गर्दस्त करे, जिससे कि कोई बाहर से कोई भी ऐसे अननोन लोग आके यहाँ पे ऐसी वारदात ना कर सकें। तो उनके लिए लिख दिया आपने? हाँ जी, हमारे पास लिखित में हमने सिविल सर्जन को सर को कहा और सिविल सर्जन सर ने कहा है हमें कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करूंगा और जिससे कि यहाँ पे एक पुलिस पोस्ट या कोई चौकी या पिकेट पुलिस की वो हो सके, जिससे कि यहाँ के जो हॉस्पिटल स्टाफ है या आने वाले जो मरीज यहाँ पे इलाज कराने आते हैं
उनको कोई जान माल का नुकसान ना।